नमो राघवाय। मैं हूं ब्रजेश सिंह, मेरे साथ मेरे मित्र मनोज मिश्रा जी बैठे हैं और हम लोग दानोपुर स्थित नक्षत्र ज्योतिष केंद्र के संस्थापक आचार्य पंडित धनंजय पांडे जी से आज एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा सवाल आचार्य जी से है कि मानव जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं के समाधान में ग्रहों और रत्नों का क्या भूमिका होती है, आचार्य जी बताएंगे। नमो राघवाय। आज हम नक्षत्र ज्योतिष केंद्र देवरिया से हमारे संस्था के अति घनिष्ठ साथी व सहयोगी श्री मनोज मिश्र जी हमारे प्रश्नोत्तरी में, श्री ब्रजेश सिंह जी, यह प्रश्न बहुत ही गूढ़ है और दैनिक जीवन में सबके लिए उपयोगी है। वह कुछ लोग भ्रांतियों में जीते हैं कि यह पत्थर है, निर्जीव है, रक्त कुछ भी नहीं होता। तो सर्वप्रथम आज हम आप सबसे उन्मुख कराएंगे इस विषय का कि रत्न है क्या। ज्योतिष तीन विषय देता है। जब हम ग्रहों के बारे में गणितीय गणना करते हैं तो देखते हैं कि हमारे जीवन में जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं उसका कारण क्या है। ज्योतिष एक लैब है, कुंडली के माध्यम से हम परीक्षण करते हैं किस समस्या से आपको कौन सी समस्याएं, किस समस्या के कारण कौन सी समस्या पैदा हो रही है। तो हम सर्वप्रथम बात करेंगे ग्रहों के बारे में। ग्रह क्या है? ग्रह किसी के शरीर पर नहीं होता। ग्रह पहले भी बात हो चुकी है इस बारे में, ग्रह ग्रह मंडल में होते हैं और हमारी जो यह शरीर है यह ग्रहों से आ रही ऊर्जा को विटामिन और मिनरल के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है। जैसे विटामिन डी से सूर्य से आ रही विटामिन से हमारी स्किन की व ब्लड में मिश्रित ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है जी। वैसे ही नौ ग्रहों, ग्रह वैसे 12 हैं लेकिन 13 हैं लेकिन 12 ग्रह के, नौ ग्रहों के प्रभाव विशेष पृथ्वी पर होता है और उससे निर्जीव और सजीव सबको उसका फल प्राप्त होता है। जैसे कहते हैं कि आपका चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा खराब होने पर होता क्या है कि चंद्रमा से आ रही छाया से मिलने वाले विटामिन, विटामिन B12 और विटामिन सी दोनों हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नेचर से नहीं कर पाती और विटामिन सी और विटामिन B12 दोनों के न मिलने से तीन समस्याएं प्रायः पैदा होती है, मानसिक विकार, बाल का गिरना व हड्डियों का कमजोर होना। इस समस्या से निजात पाने के लिए हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि चंद्रमा का जप करिए। जप करने के से मंत्र से जो जीवा का वाइब्रेशन होता है उससे कुंडलियों की जागृति होती है। दूसरी खष्टी कुंडली चंद्रमा की होती है जिसके मंत्र जप करने से कुंडली की जागृति होती है और चंद्रमा ग्रह एक्टिवेट हो जाता है, चंद्रमा से आ रही पावर लाइट को हमारे शरीर एब्जॉर्ब करती है जी। अब बोलते हैं कि जप नहीं कर सकते तो उसके लिए रत्न धारण करें। रत्न क्या है? रत्न एक पत्थर है लेकिन इसका कार्य कैसे है? जैसे हमारी आंख कमजोर है, हमने एक निर्जीव शीशे को अपने ऊपर नाप जोख करके और नंबर निकाल के इसको पहना, मेरी नजदीकी को दूरी कर देता है और दूरी को नजदीकी कर देता है। सेम वही स्थिति इस रत्न में होता है। सही समय पर सटीक व शुद्ध रत्न धारण करने से आपके शरीर में जो ऊर्जा प्रकृति से नहीं मिल रही है वह रत्न एब्जॉर्ब करता है नेचर से और आपके शरीर में प्रवाहित करता है। तो चंद्रमा ग्रह से हम आज प्रारंभ करेंगे। चंद्रमा और मंगल दो ग्रहों पर चर्चा करेंगे जी। चंद्रमा ग्रह के कमजोर होने पर मोती रत्न धारण करना चाहिए। मोती दो तरह का आता है, एक होता है स्वनिर्मित जो अपने आप पैदा होता है, दूसरा होता है परनिर्मित जिसकी खेती की जाती है। जो स्वनिर्मित होता है उसमें काले मोती
चंद्रमा और राहु दोनों जिस कुंडली में खराब रहते हैं उसे काला मोती धारण करने से तीन फायदा है। अचूक फायदा क्या होता है? विटामिन B12 की प्रचुर मात्रा में शरीर में पूर्ति होती है, मन शांत रहेगा, आक्रामकता नहीं आएगी, याददाश्त मजबूत रहेगा, वह कैल्शियम की प्रचुर मात्रा शरीर में मिलेगी नेचर से, हड्डियां आपकी मजबूत रहेंगी। तो मोती धारण करने से खासकर बाल्यावस्था से लेकर के और 25 वर्ष तक जब तक मन काफी चंचल होता है उस समय बढ़िया 42% से ऊपर ग्रेविटी का मोती धारण करते हैं, खासकर छात्रों को इससे अचूक लाभ मिलेगा। जिन बहनों को मानसिक विकार रहता है, यथार्थ कमजोर है, वह बार बार पैर में घराहट होती है, उन्हें मोती का माला धारण करना चाहिए। तो मोती धारण करने से चंद्रमा उच्च हैं तो आपका निखार चेहरे पे आएगा, आप किसी को कम बातों में प्रभावित कर लेंगे, हड्डियां मजबूत होगी, वो मन की एकाग्रता बनी रहती है। अब आते हैं मंगल, दूसरा ग्रह है भव मंगल। मंगल ग्रह के सप्तम द्वादश व अष्टम भाव में क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ने पर या अपने महादशा में 15 डिग्री से नीचे रहने पर मंगल ग्रह प्रभावी नहीं होता है। मंगल ग्रह के तत्काल लाभ होने के लिए पाने के लिए मूंगा रत्न धारण किया जाता है। मूंगा आता है सफेद रत्न।